सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद दिल्ली में जो रेलवे लाइन के आसपास झुग्गी झोपड़ियां उनको तोड़ने का एक आदेश है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी, राघव चड्ढा जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के क्या कर रहे हैं आप? देखिए, आज एक बहुत बड़ा खुलासा आम आदमी पार्टी ने किया है, जिससे ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ये झुग्गी झोपड़ियां तोड़ना चाहती हैं। आज हमने भारतीय जनता पार्टी द्वारा दर्ज किया गया हलफनामा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में, उसे सार्वजनिक किया है, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि भाजपा की सरकार झुग्गी झोपड़ियां तोड़ना चाहती है, उनके घर उजाड़ना चाहती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनको उजाड़ने नहीं दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भाजपा की मदद करे ताकि वो ये झुग्गी झोपड़ियां तोड़ सकें। आज वो हमने सार्वजनिक किया भाजपा की मंशा, जिससे साफ हो जाती है। ये रेलवे ने आदेश, रेलवे का जो हियरिंग चल रही थी, रेलवे के साथ चल, बिल्कुल बिल्कुल, ये भारतीय रेल जो केंद्र सरकार चलाती है, भाजपा चलाती है, भाजपा के मंत्री चलाते हैं, उन्हीं के द्वारा दर्ज किया गया हलफनामा है। भारतीय रेल तो भाजपा ही चलाती है, तो भाजपा ने ही दर्ज किया। और उस हलफनामे में साफ तौर पर कहा कि ये जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, इनकी वजह से गंदगी फैल रही है, इन्हीं की वजह से साफ सफाई नहीं हो पा रही है, और रेलवे की पटरी के आसपास जितनी झुग्गी झोपड़ियां उनको हम तोड़ना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल नहीं तोड़ने दे रहे हैं। तो हे सुप्रीम कोर्ट, हमारी मदद करो कि हम इन झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ सकें। हियरिंग जो चल रही थी वो साफ सफाई गंदगी को लेकर चल रही थी, तो झुग्गी झोपड़ियों की चौंका देने वाली बात यह है कि जो हियरिंग थी, जो मसला था, जो मैटर था सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन, वो तो साफ सफाई को लेकर था, कूड़े की साफ सफाई को लेकर। उसमें भाजपा ने एक एफिडेविट डाल दिया, भाजपा की केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट डाल दिया और ये कहा कि आप हमारी बात भी सुनो, हम साफ सफाई इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि झुग्गी झोपड़ियां हैं, इन झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जाए, इनको हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं मिसगाइड किया सुप्रीम कोर्ट को, ये कहना। देखिए, मैं इस विषय में सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं तो आपको जो फैक्ट्स हैं उसी के बारे में बता सकता हूं, और भाजपा की गरीब विरोधी मानसिकता का चेहरा, उनका चाल चरित्र चरण आपके सामने रख सकता हूं। आम आदमी पार्टी किस तरीके से पुनर्वास करे? देखिए, आम आदमी पार्टी ने चिट्ठी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को और कहा है कि ये जो नोटिस आप जगह जगह झुग्गियों पर चिपका रहे हैं उनके घर तोड़ने के, ये गैरकानूनी है, और किसी भी व्यक्ति को बिना उसका पुनर्वास करे अपने घर से उखाड़ देना, उसका घर उजाड़ देना, झुग्गी तोड़ देना, ये गैरकानूनी है, अमानवीय और असंवैधानिक है, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर भाजपा मकान दे सकती है तो दे दे, नहीं तो हम देने के लिए तैयार हैं। हमने तो उस पत्र में सूची भी दे दी है 45,857 घरों की, कि हम इन घरों को, इन गरीब लोगों को दे सकते हैं, लेकिन किसी को बिना उसका पुनर्वास करे उजाड़ा नहीं जाएगा। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा, जिनका साफ कहना है कि जो लोग पुनर्वास के, जो झुग्गी झोपड़ियों को अगर तोड़ा जाता है, उनको पुनर्वास के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली यानी दिल्ली सरकार, पुनर्वास के लिए फ्लैट्स जो बनाए हुए हैं दिल्ली के कुछ इलाकों में, वो देने के लिए भी तैयार है। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ विनय सिंह, रिपोर्ट दिल्ली।